बच्चों, मैं आपकी म्यूजिक टीचर डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी 10th में आने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस वर्ष की पढ़ाई आपकी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज से शुरू होती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी आपका इस वर्ष का पेपर कितने अंक का और किस रूप में आएगा। पेपर आपका 70 अंक का और प्रोजेक्ट कार्य आपके 30 अंक के होंगे। प्रश्न पत्र के प्रश्न आपके कई खंडों में बटे होंगे, जैसे अति लघु प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, सही गलत, राग पहचानना, जीवनी और निबंध। बच्चों, संगीत के दो पक्षों की पढ़ाई हम लोग करते हैं, शास्त्रमूलक पक्ष और प्रयोगात्मक पक्ष। तो आपके प्रश्न पत्र में दोनों ही पक्षों से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। प्रयोगात्मक पक्ष में आप दो चीजें पढ़ती हैं, राग और ताल। राग जो आप गाना सीखती हैं, जो कंठ से गाती हैं, वो प्रयोगात्मक पक्ष में होता है। जब उन्हीं राग की जो स्वर लिपि होती है उनको लिखती हैं, वो आपके शास्त्रमूलक पक्ष में है। ताल जो हाथ पे लगा के दिखाती हैं लयकारी, वो प्रयोगात्मक में, और उन्हीं तालों की लयकारी जब लिख करके आप बताती हैं तो वो शास्त्रमूलक। तो आपके प्रश्न पत्र में दोनों ही पक्ष के प्रश्न आएंगे। तो अब हम इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी राग और कौन कौन से ताल हैं उनको जानते हैं। तो चलिए देखिए उनकी सूची क्या है। आपके पाठ्यक्रम की रागों की सूची है, राग यमन, राग भैरवी, राग काफी, राग बिहाग, राग बागेश्वरी। ताल कौन कौन से हैं, ताल कहरवा ताल, दादरा ताल, तीन ताल, एक ताल, झप ताल और चार ताल। शास्त्र मूलक पक्ष में आप जो है अलंकार, सप्तक, थाट, नाद और विभिन्न गायन शैलियों के बारे में पढ़ेंगी। तो बच्चों, अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से करेंगे और अगले वीडियो में हम इनमें से किसी एक टॉपिक को लेकर के उसके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे। तो बच्चों, आपकी जो पिछले वर्ष पुस्तक राग परिचय भाग एक चलती थी, वही क्लास 10th में भी चलेगी। उन्हीं पुस्तक में आपको जो चीजें हम यहाँ पढ़ाएंगे उनको आप उस पुस्तक से अपनी कॉपी पे लिखते चलेंगे।